शपथ लिया था तो तमाम झारखंडियों ने यह सोचा था कि आदिवासियों गोलवासियों की सरकार है और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय नीति बनेगी, नियोजन नीति बनेगी। लेकिन उंगलियों पर गिरा देना चाहता हूँ कि आज तक झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बनी, आज तक झारखंड में नियोजन नीति नहीं बनी, आज तक जितने लोगों का जमीन लिया गया उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई, आज तक झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला, आज तक झारखंड में सरकार ने कहा था कि निजी क्षेत्र की कंपनी में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देंगे, ये भी नहीं मिला। बिहार में 75% का आरक्षण लागू हुआ, झारखंड में 73% आरक्षण की मांग हुई, ये भी पूरा नहीं हुआ। नौजवानों ने कहा कि समय पर परीक्षा लो, हम लोग परीक्षा लिखने के लिए तैयार हैं, समय पर परीक्षा भी नहीं हुई और हमारे नौजवान लड़ते रहते हैं कि देखो यहाँ पर प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, यहाँ पर परीक्षा में सेटिंग हो रहा है, यहाँ पर 20 लाख में सीट बिक रहा है, 30 लाख में सीट बिक रहा है, यहाँ पर जेपीएससी में सेटिंग चल रहा है और आज तक उसको इस बात के लिए संकल्प लेना होगा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर चाचा जी भी मौजूद हैं, अकलियत समाज के हैं और यहाँ मेरी अगर आवाज जा रही है इस समाज के अकलियत समाज के लोगों तक, अल्पसंख्यकों तक, मुसलमान भाइयों तक, तो उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि झारखंड के सियासत में अपने हकूक के लिए, हक हकूक के लिए आप लोगों को भी इस लड़ाई में साथ में भागीदार बनना होगा। ये किसी जाति समुदाय का आंदोलन नहीं है, ये सबका आंदोलन है, एक एक झारखंडी का आंदोलन है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप सबसे, आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार हम लोग स्थानीयता की बात, नियोजन की बात, विस्थापन की बात, नौकरी की बात कह रहे हैं। मैं भी डायरी में कलम से कुछ लिख रहा था, आप लोग देख रहे होंगे न्यूज में भी, सऊदी अरब में 5 भाई फंसे हुए हैं, 2 हैं हजारीबाग के, 2 हैं बोकारो के, 1 है गिरिडीह के, 1 है उसमें चिंतामन महतो, 1 है रूपलाल महतो और ऐसे करके 5 महतो भाई का हमको 3 दिन से मैसेज आ रहा है, अखबार में भी उसको हम लोग छपवाए हैं। आप विश्वास करिए कि अभी जब टनल में मजदूर फंसे तो झारखंड के 15 मजदूर फंसे, इससे पहले भी एक मजदूर की सऊदी अरब में डेथ हो गई, उसके परिवार वालों ने संपर्क किया कि संजय भैया वहां पर डेथ हो गया है मजदूर का, कैसे क्या करना है। चतरा के हमारे भाई थे, एहसान भाई नाम था उनका, उनके परिवार वालों ने संपर्क किया। मैंने देश के विदेश मंत्रालय को लिखा कि हमारे झारखंड के एक भाई का मृत्यु हो गया है सऊदी अरब में और घर वाले ये चाहते हैं कि एक बार अंतिम बार अपने बेटे का दीदार करें, और हमने विदेश मंत्रालय को लिखा, वहां के कंपनी को लिखा, कंपनी को मेल किया और कंपनी को ये सीधे तौर पर कहा कि किसी भी हाल में आपको मेरे मजदूर भाई का डेड बॉडी गांव भेजना पड़ेगा। और इस कंपनी पर इतना दबाव बना कि उस डेड बॉडी को वहां से सऊदी अरब से दिल्ली भेजा, दिल्ली से कोलकाता भेजा और कोलकाता से फिर मैंने चतरा भेजने का काम किया। ये जेबी केसेस कर रहा है, इसका मतलब कि अगर किसी को खून देने की बारी आ रही है तो जेबी केसेस सामने खड़ा है। अगर किसी के लिए लाठी खाने की बारी है तो वेदांता में लाठी खाता है। अगर कहीं पर आंदोलन करने की बारी है तो जेबी केसेस आंदोलन कर रहा है। अगर किसी भाई की मौत हो जा रही है तो उसके डेड बॉडी को जेबी केसेस घर पहुंचा रहा है। कोई भाई कहीं पर फंस गया है तो उसको घर तक लाने के लिए जेबी केसेस काम कर रहा है। लोग कहते हैं कि खाली माइक लेकर के आंदोलन कर रहा है, सिर्फ आंदोलन नहीं कर रहे, हम लोग काम भी कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं। और आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि झारखंड में परिवारवाद की राजनीति, वंशवाद की राजनीति ने हम लोगों का बेड़ा गर्क किया है, और अगर इस वंशवाद की राजनीति पर, इस परिवारवाद की राजनीति पर हथौड़ा नहीं मारेंगे तो गांव घर से, किसान मजदूर घर से नेता नहीं निकलेगा। और आज देखिए कि फिर से हमारे नेता पर एक बड़ी साजिश की गई है। वेदांता में जो आंदोलन हुआ था 3 दिनों पहले, आज सुबह सुबह बात हो रही थी, ये खबर आई है कि फिर से भाई पर एक केस कर दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं बार बार केस मुकदमा करके इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन पुलिस प्रशासन के लोगों को, उस एसडीओ को, बीडीओ को, आईपीएस को, एसपी को, डीसी को, सीओ को, थानेदार को, सबको इस बात की चुनौती पेश करना चाहते हैं सिरों की धरती से कि सिर कटाना मंजूर होगा लेकिन इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। और ये आंदोलन FIR से कमजोर नहीं होने वाला है, ये आंदोलन पुलिस के कागज पर FIR लिख देने से कमजोर नहीं होगा। ये नौजवान इतिहास लिखने के लिए निकले हैं, ये आंदोलन अब इतिहास बदल करके ही मानेगा, झारखंड को बदल करके ही मानेगा। लेकिन साथियों, इस बात पर आपको चिंतन करना होगा, इस बात पर आपको सोचना होगा कि यहां पर गौर करते हैं
तो विधायक और सांसद के घर से ही लगता है कि ऐसा कोई फैक्ट्री है कि वहीं से सांसद और विधायक निकलेगा। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र को देखिए तो उनके पिताजी रहे वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े तो बेटा दो बार सांसद हो गया। यहाँ भी जो विधायक बनी, विधायक की पत्नी रही, सांसद की पत्नी रही। बगल में कुमार जयमंगल है इसलिए विधायक बने कि बाप उनके विधायक थे। आप देखिए झारखंड के अलग अलग इलाकों में, नाम नहीं सबका गिनाना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं विधानसभा क्षेत्र को भी गिना दूंगा तो आप लोगों को जेहन में आ जाएगा। बड़का गांव को देखिए क्यों विधायक है, क्योंकि पिताजी विधायक थे। बरकट्ठा के विधायक क्यों है, क्योंकि वहां उनके पिताजी विधायक थे। कोडरमा किसान सब क्यों है, क्योंकि परिवार से राजनीतिक परिवार में लोग थे। आप झारखंड के और इलाकों में जाइए, आप देखेंगे कि दो बिंदु पर गौर करिए। एक तो नेता गांव घर के गलियारों से नहीं निकल रहा है, और दूसरा झारखंड में जो भी नेता जमीनी स्तर से निकला भी वो जाकर के फिर उसी माफियाओं के चंगुल में, उसी कोयला तस्करों के हाथ में जाकर के बिक गया, और वो भी उसी के बीच भागीदार बन गया। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो झारखंड के भीतर हो रही है, वो तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हम लोगों ने ये सोचा था कि विनोद बाबू और गुरुजी साथ में आंदोलन करते थे और उसी के सपूत हैं हमारे हेमंत सोरेन जी, 2019 में सरकार बनाए, 29 दिसंबर 2019 को जब उन्होंने शपथ लिया था तो तमाम झारखंडियों ने यह सोचा था कि आदिवासियों गुलवासियों की सरकार है और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय नीति बनेगी, नियोजन नीति बनेगी। लेकिन उंगलियों पर गिरा देना चाहता हूँ कि आज तक झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बनी, आज तक झारखंड में नियोजन नीति नहीं बनी, आज तक जितने लोगों का जमीन लिया गया उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई, आज तक झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला, आज तक झारखंड में सरकार ने कहा था कि निजी क्षेत्र की कंपनी में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देंगे, ये भी नहीं मिला। बिहार में 75% का आरक्षण लागू हुआ, झारखंड में 73% आरक्षण की मांग हुई, ये भी पूरा नहीं हुआ। नौजवानों ने कहा कि समय पर परीक्षा लो, हम लोग परीक्षा लिखने के लिए तैयार हैं, समय पर परीक्षा भी नहीं हुई। और हमारे नौजवान लड़ते रहते हैं कि देखो यहाँ पर प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, यहाँ पर परीक्षा में सेटिंग हो रहा है, यहाँ पर 20 लाख में सीट बिक रहा है, 30 लाख में सीट बिक रहा है, यहाँ पर जेपीएससी में सेटिंग चल रहा है और आज तक 11वां जेपीएससी का विज्ञापन नहीं निकला। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि एक राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो राशन कार्ड आपका नहीं बन पाता है, एक जमीन का म्यूटेशन कराने जाते हैं तो सीओ 20,000-30,000 रुपए की मांग करता है। आप गांव घर के कुछ योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उस योजना का लाभ नहीं मिलता है। यहाँ के नौजवान कहते हैं कि हम लोगों का जेटेट का परीक्षा लीजिए ताकि हम लोग परीक्षा में शामिल हो सके, ताकि शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में शामिल हो सके, वो भी नहीं हो पाता है। यहाँ के लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को झारखंड की नौकरी में, थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी में 90% आरक्षण दीजिए, लेकिन यहाँ पर 60-40 की नियोजन नीति बना दी जाती है। मतलब कि आपका जमीन लूटा जा रहा है। यहाँ पर आलोक स्टील के लोग आंदोलन कर रहे थे और इससे पहले आपने देखा था कि गोला में भी गोलीकांड हुआ था। मतलब आपका जमीन लूट लिया गया, आपकी नौकरी लूट ली गई और उसके बाद आपके पास एक जो रास्ता बचता था कि अपने माटी से अपना नेता सांसद विधायक बनाते, वहां पर भी 100% सांसद विधायक हमारे नहीं है। और मैं हर सभा में गिनाता हूं, यहां भी गिनाऊंगा कि हजारीबाग के सांसद बागसर से आकर के बने हैं, आप देखिए रांची के सांसद राजस्थान से आकर के बने हैं, चतरा के सांसद भी बिहार से आकर के बने हैं, पलामू के सांसद भी बक्सर से आकर के बने हैं, धनबाद के सांसद भी बलिया से आकर के बने हैं, आपके यहाँ पर गोड्डा के सांसद भी भागलपुर से आकर के बने हैं, झरिया की विधायक भी जाकर के यूपी से बनी है, कुमार जयमंगल भी झारखंड की धरती से नहीं है। और झारखंड के और तमाम इलाकों में गौर करिएगा तो ये आपको दिखाई पड़ेगा कि 100% झारखंडी माटी का विधायक और सांसद नहीं है। इसलिए इस बात का आपको संकल्प लेना होगा कि 100% सीटों पर झारखंड के माटी का सांसद और विधायक बनाएंगे, तभी झारखंडियों का हक और अधिकार सुरक्षित रहेगा। हम लोगों से लोग ये पूछता है कि बाबू पैसवा तो नहीं हो तो कैसे बनभा नेता, इस सबसे कैसे लड़भा। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा कि अरे कोई लड़ाई पैसे की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई कलेजे की बुनियाद पर लड़ी जाती है और हर में टाइगर वाला कलेजा है, तुम पैसे से क्या तौलोगे। और उन लोगों को ये चुनौती पेश करके दिखाया जेबी केसेस ने। सबसे पहला आरोप ये लगा
ये सिर्फ महतोवाद कर रहा है, कुर्मीवाद कर रहा है, ये कुर्मियों का राजनीतिक दल बन रहा है, ये महतो लोगों की पार्टी बन रही है। हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, इस मिथक को तोड़ेंगे। और ताल ठोक करके इस चुनौती को स्वीकार किया गया और हम लोग चले गए जामताड़ा में संथाल की धरती पर। वहां भी 50,000 की भीड़ आ गई, आदिवासी भाइयों ने सपोर्ट किया। उसके बाद जवान बंद हो गया तो लोग कहने लगे कि लगता है कहीं से फंडिंग होता है, लगता कहीं कोई बड़ा कॉरपोरेट शक्ति आ गया है। तो बोले कोई बात नहीं, इस कोना से अब उस कोना में जाकर के दिखाएंगे। चले गए कोल्हान की धरती पर, वहां भी 1,00,000 की भीड़ आ गई। उसके बाद लोगों ने कहा कि जरा बिहार बॉर्डर पर जाकर के दिखाओ, तो चले गए चतरा और चौपारण में, वहां भी 50,000-60,000 की भीड़ आ गई। लोगों ने चुनौती पेश किया कि हजारीबाग शहर में करके दिखाओ, यहाँ बाहर के लोग काफी आए हैं। वहां गांधी मैदान में सभा किए, वहां भी 60-70,000 की भीड़ आई। फिर कहा कि और करके दिखाओ, यहाँ पर कोल फील्ड में चले गए हम लोग चरही के एरिया में, वहां भी 50,000 की भीड़ आई। ये लोग चौंकने लगे कि ये नौजवान लोग क्या कर रहे हैं। तो एक नया हथकंडा अपनाया गया कि जहां भी सभा होता है केस करो। उसके बाद मेरे ऊपर, मोती भाई के ऊपर, हमारे परेश्वर भाई के ऊपर, हमारे जयराम जी के ऊपर, हमारे देवेंद्र जी के ऊपर, मनोज जी के ऊपर और तमाम साथियों पर लगातार केस किया जाने लगा। जब केस किया जाने लगा तो उसके बाद हम लोगों ने साफ तौर पर जाकर के पुलिस प्रशासन के लोगों से भी ये कह दिया कि अगर कार्यक्रम की अनुमति देते हैं तो ठीक है, और अगर अनुमति नहीं देते हैं तो कितनी ताकत है लगाओ, सभा करके दिखाते हैं। और हर जगह इसी चुनौती के साथ सभा किए हैं, लेकिन सभा को कहीं रुकने नहीं दिए हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड के भीतर विनोद बाबू के बाद, गुरु जी के बाद, अगर इस दौर की बात करें, छोड़ दीजिए वो ब्रिटिश से जितने लोग हमारे लड़े वो तो लड़े ही, चाहे शेख भिखारी लड़े, चाहे हमारे तिलका मांझी लड़े, चाहे हमारे बिरसा मुंडा लड़े, चाहे नीलांबर पीताम्बर लड़े, चाहे सिद्धू कान्हू लड़े, ये तमाम लोग तो यहाँ के अंग्रेजों से लड़े ही थे। लेकिन अगर इस दौर में हमारे बीच ऐसे नायक रहे, चाहे वो शक्तिनाथ महतो हो, चाहे वो रघुनाथ महतो हो, चाहे वो विनोद बाबू हो, चाहे वो हमारे गुरु जी हो, ये तमाम लोग अगर झारखंड के लिए लड़े हैं, और अगर गुरु जी का सपूत अगर झारखंड की धरती में आज मुखिया बना बैठा है, तो हम अगर उनको गद्दी पर बैठाते हैं तो उनसे लड़ने का भी अधिकार रखते हैं कि आप हमारे मांग को पूरा करिए, नहीं तो ये लड़ाई आपके खिलाफ जारी रहेगी, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि 4 फरवरी 1973 को वो पार्टी बनी थी जो पार्टी इस वक्त सरकार में है, और विनोद बाबू और गुरु जी ने मिलकर बनाया, विनोद बाबू उसके अध्यक्ष रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर कि अगर कोई राजनीतिक दल हमारे समाज के बीच से लोग बनाते हैं और वो सत्ता में आती है, पूर्ण तौर पर सत्ता में आती है, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारी उम्मीदें बढ़ेगी। और इस बात को समझिए कि उम्मीद उसी से होता है जो घर का आदमी होता है। अरे बाहर वाले तो यहाँ पर लूटते ही रहे हैं, तो इन लोगों से उम्मीद हम लोगों ने बांधा था। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि जब उम्मीद जितना गहरा होता है, अगर वो पूरा नहीं करेगा तो निराशा भी, आक्रोश भी उतना ही गहरा होता है। इसलिए आक्रोश अब बहुत गहरा हो गया है, ये आक्रोश अब नहीं रुकेगा। इसलिए आप सबको जेहन में ये बात डालना चाहता हूं कि झारखंड में पहली बार जमीन से उठ करके गांव घर के लोगों ने क्रांति का बीड़ा उठाया है। इस क्रांति में आप लोगों के 100 रुपया, 50 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का योगदान है, और उसके बुनियाद पर यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड को हम लोग कहते हैं कि ये हमारी माँ है, माटी है, और अगर झारखंड की माटी को अपना माँ मानते हैं, तो अगर माँ के स्वाभिमान पर कोई आँच आ जाए, माँ के सम्मान पर कोई आँच आ जाए, माँ के हक अधिकार पर कोई आँच आ जाए, तो हर सपूत को उठ खड़ा होकर के लड़ना होगा। ये आप लोगों को कहना चाहता हूं मेरे साथ में। और हम लोगों को ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है, जो अभी कह रहे थे कि बाबू तोहनी तो कह दही बलियापुर में कि विधायको लड़वो और विधानसभा के बाद लोकसभा भी लड़वो, और पहले तो लोकसभा हो, तेकर में तो बड़ी बड़ी सब सेंट्रल पार्टी है, थू 1,00,000 करोड़ रुपया लेके झोला झोला लेके, और गांव घर में जाकर के बूथ स्तर पर अपन लोग के सबके खरीद लथू, तब का कर भी। हम कह लिए कि 2 साल में हम लोगों ने इतना काम कर दिया है झारखंड के भीतर कि जब कोई एक झारखंडी जा करके किसी स्कूल के बूथ में जाएगा और अपना उंगली में नीला स्याही लगाने जाएगा, तो अपना जमीर से और कलेजा से जरूर ये पूछेगा कि ये वोट झारखंडी को दे रहे हैं कि गैर झारखंडी को दे रहे हैं। इतना तो जमीर जाग गया होगा हर झारखंडी का।
लेकिन फिर एक बात उन लोगों ने कहा कि नेता कहां से पैदा करोगे, कहां से नेता निकलेगा और कैसे निकालोगे अपना नेता। तो हम लोगों ने उन लोगों को यह जवाब पेश किया कि देखिए झारखंड में 2010 में, 2015 में और 2022 में तीन बार पंचायत का चुनाव हुआ और कई बार इस बात को गिनाए हम कि पंचायत के चुनाव में 4,345 मुखिया झारखंड की माटी से हम लोगों ने बना दिया, 536 जिला के परिषद के सदस्य हम लोगों ने झारखंडी माटी से बना दिया, 24 जिला में जिला परिषद के अध्यक्ष जो बनाए उसी जिला परिषद से हम लोगों ने झारखंडी माटी का बनाया, 264 प्रखंडों में हम लोगों ने प्रमुख को बना दिया, हम लोगों ने झारखंड के भीतर लगभग 5,321 पंचायत समिति के सदस्य को बना दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अरे हजार हजार मुखिया और जिला परिषद पैदा कर सकते हैं तो 81 विधायक 14 सांसद भी इसी माटी से पैदा होगा, कौन रोकेगा इस झारखंड के लोगों को, ये मैं कहना चाहता हूँ। और एक बड़ा सवाल करते हैं ये लोग कि हम लोगों के पास नेतृत्व का कौशल नहीं है, नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, नेतागिरी नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिक्स का स्किल नहीं है, लीडरशिप का स्किल नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे गांव घर के चाचा लोग चाची लोग जो गेहूं उपजा रहे हैं, जो सब्जी उपजा रहे हैं, और हमारे योगेश भाई जो भी कह रहे थे कि रूम रेंट नहीं दे पाते हैं तो लोग साइकिल बेच करके रूम रेंट देना पड़ता है, ये इस दर्द और पीड़ा से जो भी नौजवान निकलेगा वो कभी भी झारखंडी माटी के स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा, ये भरोसा आपको दिलाना चाहता हूं। और ये भरोसा सिरू की धरती से देना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आप लोगों को बड़े बुजुर्गों चाचा लोग आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ पीठ पीछे हाथ रख दीजिए, सर पर आशीर्वाद दे दीजिए कि जाओ बेटा रण क्षेत्र में लड़ने निकल जाओ, हम लोगों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये भरोसा दिलाता हूं कि चाहे जिस मोर्चे पर जहां पर भी जिससे भी लड़ना होगा जिस तरीके से लड़ना होगा ये नौजवान टकराएंगे लेकिन इस लड़ाई से नहीं पीछे जाएंगे, ये भरोसा आप लोगों को दिला रहा हूं। और एक सबसे बड़ी बात मैं चाहता हूं कि मीडिया के साथी भी हैं यहां से वो संदेश जाए, लोग ये कहते रहे हैं कि झारखंड की जिन मांगों को लेकर के आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, यह स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, ये खतियान आधारित स्थानीय नीति जब कोई नहीं बना पाया तो आप लोग कैसे आकर के बना देंगे, आप लोग के पास कोई जादू की छड़ी है क्या? जादू की छड़ी नहीं होती है, संविधान की ताकत होती है जो हमारे टाइगर जयराम है तो अपने हाथ में रखे हैं और उस संविधान की बुनियाद पर ये कानून बना करके दिखाएंगे। और जब लोग पूछता है कि कैसे बनाओगे तो हम लोगों ने हमेशा ये हवाला दिया है कि अरे 26 नवंबर को ही संविधान दिवस था और इस संविधान के पन्ने पन्ने को हमारे नौजवान साथियों ने पढ़ा है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने पढ़ा है, आपके भाई ने पढ़ा है, संविधान के अनुच्छेद 371 डी में आंध्र प्रदेश की नौकरी में आंध्र प्रदेश को आरक्षण मिल सकता है, यहाँ पर बिहार में 75% आरक्षण लागू हो सकता है और देश के दूसरे राज्यों में वहां के लोगों को नौकरी में आरक्षण मिल सकता है, प्राथमिकता मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर झारखंड के लोग इस बात की मांग कर रहे हैं तो झारखंडियों को क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि इन कायरों को इन बुजदिलों को उखाड़ करके फेंकना होगा तब अपना हक अधिकार मिलेगा मेरे साथियों। और मैं इन लोगों को कायर और बुजदिल इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर एक बहुत बड़ी साजिश होती है राज्यपाल के रास्ते से, यहां पर कानून बनाने का प्रयास हालांकि सरकार ने किया था कि 1932 के आधार पर खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, उस ड्राफ्ट को राज्यपाल के पास भेजा गया और राज्यपाल ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि यहां पर समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है इसलिए इस कानून को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, वो कानून नहीं बन सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर महाराष्ट्र में मराठी अपने हक अधिकार की मांग करते हैं, पंजाब में पंजाबी अपने हक अधिकार की मांग करते हैं, वहां पर जाट लोग जाट आरक्षण की मांग करते हैं, बंगाल में बंगाली अपने हक अधिकार की बात करते हैं, उड़ीसा में उड़िया अपने हक अधिकार की मांग करते हैं, तो अगर झारखंड अपने झारखंडी हक अधिकार के लिए मांग कर रहा है तो किसी की आंख में किरकिरी क्यों होता है, इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है मेरे साथियों। और एक बहुत बड़ी बात, जब स्थानीय नीति पर हम लोगों ने ये अपना विचार प्रस्तुत किया कि 1932 को एक केंद्र बनाएंगे और 1932 के पूर्व का सर्वे, 1932 के पश्चात का सर्वे, 1932 से पूर्व 1908 में हुआ था,
1932 के पश्चात 1954 और 64 में भी हुआ और जिला आधारित अंतिम सर्वे जब जब हुआ वहां पर उसको लागू करते हुए हम लोग झारखंड की स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि देखते हैं तुम लोग लड़ो, और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो ठीक है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक ट्रैक्टर में बालू बेचने जाते हैं तो केस कर दिया जाता है, थाना गाड़ी पकड़ लेती है, यहाँ पर सीओ साहब आकर के केस करने लगते हैं। लेकिन इसी सीओ से, इसी थानेदार से, इसी एसपी से, इसी डीसी से और इसी जिला के खनन पदाधिकारी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हजारों ट्रक हाईवा में लोड होकर के पत्थर बिहार चला जाता है और आपके घर में पैसा पहुंचता है, इस बात में सच्चाई है कि नहीं, ये मुझे बताइए। और लोग कहते हैं कि अरे झारखंड के लोग कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर उनका हक है। हम लोगों ने बार बार ये कहा है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, अगर सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो ग्राम सभा है, और असली ताकत ग्राम सभा के अंदर लेकर के जाएंगे, गांव के अंदर लेकर के जाएंगे। गांव के अंदर से अगर बालू निकल रहा है तो उस बालू से रेवेन्यू जो आएगा वो पहले गांव में जाएगा, गांव के विकास में लगेगा, तब सरकार का देख लेंगे। ये सरकार जो सोचती है कि सचिवालय से, विधानसभा से, रांची से, कांके रोड से सब गाँव को चला देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और एक नया सगुफा छोड़ा गया है कि आपकी सरकार, आपके द्वारा ऐसा कुछ चल रहा है आजकल, और उसमें पता चला है कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, अफसर आ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, कोई अबुआ आवास की योजना भी आई है और सिर्फ खाना पूर्ति चल रहा है। इसलिए कहना चाहते हैं कि अगर पत्थर निकलेगा तो पहला अधिकार झारखंडियों का होना चाहिए, अगर कोई टेंडर निकला तो उस टेंडर में पहला अधिकार झारखंडियों का होना चाहिए, अगर गिट्टी निकल रहा है तो पहला अधिकार झारखंडियों का होगा, अगर बालू निकला है तो पहला अधिकार झारखंडियों का होगा, अगर कोयला निकल रहा है तो पहला अधिकार झारखंडियों का होगा। और ये बात आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को भी थोड़ा सीखना और समझना होगा। ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यूपी से आकर के, बिहार से आकर के, महाराष्ट्र से आकर के, गुजरात से आकर के लोग कोल लिंकेज की कंपनी बना रहे हैं और यहाँ पर कोयला में आकर के बहुत बड़े बड़े माफिया बन गए हैं। इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड का कोई भी आदमी को आप नहीं देखेंगे कि वो बहुत बड़ा कोई कोयला माफिया बन गया, क्योंकि यहाँ के लोग अनैतिक काम करने में विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ के लोग ईमानदार हैं, इसलिए हमारी ईमानदारी का भी ये लोग फायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई सिर्फ नीति तक नहीं रहेगी, ये लड़ाई सिर्फ राजनीति तक नहीं रहेगी, ये लड़ाई सिर्फ यहाँ पर हक अधिकार की नहीं रहेगी, ये लड़ाई पूरे तरीके से झारखंडियत को झारखंड के भीतर स्थापित करने की लड़ाई है। और इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि 23 सालों में झारखंड के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि झारखंड का कोई नेता निकल करके बगल में गया हो, चाहे बगल में हमारा उड़ीसा के बगल में मयूरभंज है या फिर झारखंड के बगल में जो बिहार है या छत्तीसगढ़ है, बगल के सीमा को पार करके भी 500-2000 का सभा नहीं कर पाया है। लेकिन झारखंड के एक नौजवान की ताकत देखिए कि जिस महाराष्ट्र में झारखंडियों को मारकर भगाया जाता है, जहां शिवसेना और मनसे की आक्रामक राजनीति होती है, वहां पर बेलापुर में जाकर के दहाड़ते हैं और 50,000 लोग आते हैं। ये विचारधारा की ताकत है मेरे साथियों, और इसको समझना होगा आपको कि झारखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नौजवान निकला है और जाकर के इस क्रांति की आवाज को पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाया है। लेकिन एक बहुत बड़ा पहलू देखिए, यहाँ पर हमारे जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने मीडिया के साथी हैं, देव भाई हैं, ये लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी वक्त मिलेगा तो हमारे ये जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, ये जो यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया पर पत्रकारिता कर रहे हैं, जो डिजिटल मीडिया में पत्रकारिता कर रहे हैं, इन लोगों को मैं ये प्रस्ताव रखा भी हूँ, आने वाले वक्त में जेबी केसेस इन सभी पत्रकारों को भी सम्मानित करेगा, क्योंकि इनके कारण ही ये हमारा आंदोलन आगे बढ़ा है। और एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मीडिया के साथियों से मेरी बात होती है, क्योंकि मैं इसी फील्ड में था पहले, हमसे लोग पूछते हैं कि संजय बाबू आप लोग झारखंड में इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं लेकिन नेशनल मीडिया तो कभी दिखाता नहीं है, मोदी जी गए तो पूरा कवर हुआ। हम उनसे यही बोले कि मोदी जी आए थे ओली हाथों में हमारे बिरसा धरती आबा को प्रणाम करने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी की सभा के एक वीडियो को निकालिएगा
और एक जेबी केसेस के सभा के वीडियो को निकालिएगा और तुलना कर लीजिएगा कि किसमें ज्यादा भीड़ है और किसने मीडिया में ना इंसाफी किया है, तो आपको पता चल जाएगा। उस पत्रकार साथी ने मुझे कहा कि देखिए आप लोगों के इस आंदोलन को नेशनल मीडिया क्यों नहीं कवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ कोयला निकालने आती है एनटीपीसी, यहाँ पर कोयला निकालने आती है अडानी, यहाँ पर माफियागिरी करता है रूंगटा, यहाँ पर आलोक स्टील करता है बदमाशी, यहाँ पर करता है बीएसएल और वेदांता, वेदांता के मालिक रहते हैं लंदन में अनिल अग्रवाल जी, और तमाम जो सीसीएल है, बीसीसीएल है और तमाम कोयला की कंपनियां हैं, ये जितने ये जो बड़े कॉरपोरेट प्लेयर्स हैं और बड़े बड़े मीडिया संस्थान के जो मालिक हैं, सब में यारी होती है, दोस्ती होती है दिल्ली के गलियारे में, उधर रायसीना हिल्स में और लुटियन जोन में उन लोगों का अपना कॉकटेल पार्टी चलता रहता है। तो इन लोगों का एक ही मंशा है कि ये आंदोलन को किसी भी तरीके से राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन मत बनने दो, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार में रेल रोका तो राष्ट्रीय स्तर का न्यूज बन गया, मणिपुर में कुछ हुआ तो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बन गया, बंगाल में कुछ होता है राष्ट्रीय स्तर का खबर बनता है, लेकिन जैसे ही झारखंड में हम लोग कुछ करते हैं, ये लोग जान जाते हैं कि अगर इसको राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन दे दिए और पहचान का नाम दे दिए और कहीं अगर किसान आंदोलन की तरह पूरे देश से लोगों का समर्थन मिल गया, तो ये झारखंडी तो अभी खुद में इतने ताकतवर हो गए हैं, अगर दूसरे राज्य के लोग भी समर्थन दे दिए इन लोगों की आवाज में, तो पता नहीं कहां कहां आग लगेगा। इसलिए हम लोगों को ये लोग समर्थन नहीं देते हैं और इसलिए हमारी खबरों को आप आज तक पर जी न्यूज पर और बड़े बड़े चैनलों पर नहीं देख पाते होंगे, क्योंकि ये कोयला के व्यापारी, ये लोहा के व्यापारी, ये खनन के व्यापारी ऊपर में मीडिया वाले लोग से मिले हुए हैं। लेकिन इस ईमानदारी को और इस जज्बे को सलाम करिए कि झारखंड के नौजवान लोगों ने हम लोगों को सोशल मीडिया पर दिखाया, यूट्यूब पर दिखाया और यहाँ पर डिजिटल मीडिया में दिखा करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में अगर आज हम लोग नहीं खड़े होते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में फिर ऐसा कोई आंदोलन नहीं खड़ा हो पाएगा, ऐसा कोई नौजवान फिर नहीं निकल पाएगा जो बार बार लाठियां खाता हो, पुलिस का केस खाता हो और बार बार लाठियां खाने के बावजूद भी ये कहता हो कि मुझे मौत मंजूर है लेकिन मात नहीं। ऐसे नौजवान को आपको प्रणाम करना होगा, सलाम करना होगा मेरे साथियों, और उस व्यक्ति की पीड़ा को, उस व्यक्ति की वेदना को, उस व्यक्ति के दर्द को आपको समझना होगा। मैं बार बार इस बात को आप सबको इसलिए बता रहा हूं कि जब भी बात होती है तो हमसे यही कहते हैं कि दादा इतना जगह लोग बोलवा थो सबको, तुम यहां पर आके सभा कर, हमरो घर खाना को, हमरो घर आओ, और इस दौरान इन लोगों ने इतना संघर्ष किया और खासकर टाइगर जयराम महतो जी ने इतना संघर्ष किया कि इनकी तबीयत खराब हुई। और आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आज वो इलाज के लिए भी निकल रहे हैं झारखंड के बगल पश्चिम बंगाल की तरफ। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके स्वास्थ्य के, अगर आप पूरे दिनचर्या को देखेंगे कि स्वास्थ्य कैसे खराब हुआ, आप बात करिए पिछले 2 साल में जो व्यक्ति हर दिन 9 बजे उठ रहा हो, 10 बजे उठ रहा हो और हर दिन 4 बजे सुबह में सोता हो, कब खा रहा हो, कहां सो रहा है, कहां बैठ रहा है, कब बॉडी में कितना प्रोटीन गया, कितना कार्बोहाइड्रेट गया, कब लिक्विड लेना था, कब खाना लेना था, कुछ भी ख्याल नहीं रहा और इस कारण से इनकी तबियत बिगड़ी। इससे पहले भी एक बार तबियत बिगड़ी थी, हम लोगों ने कहा कि आप आराम कीजिए, वो नहीं माने और उसके बाद डॉक्टर ने अभी कहा कि 45 दिनों तक आपको आराम करना होगा, धूल से दूर रहना होगा और उसके बाद मास्क लगा करके भी वो वेदांता में पहुंचे और उन्होंने कहा कि ईश्वर से मैं ये कामना करता हूं कि मुझे कभी भी बीमारी ना मिले, मौत मंजूर है लेकिन हारना मंजूर नहीं है, मात मंजूर नहीं है। इसलिए इस व्यक्ति की पीड़ा को भी आपको समझना होगा, दर्द को भी समझना होगा कि इस व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया 2 सालों में, तब ये आंदोलन इतना खड़ा हुआ है। हम लोग तो छोटे छोटे सिपाही हैं, जहां भी ड्यूटी मिलता है हम लोग करते हैं, लेकिन यही मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर ऐसी लड़ाई को हम लोग पूरे तन्मयता से, पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से और पूरे पवित्र मन से अगर सहयोग नहीं करेंगे, तो ये झारखंड की माटी फिर से चारागाह बन जाएगी और फिर से झारखंड को लुटेरे लूटने लगेंगे। इसलिए आइए मिलकर झारखंड को बचाने का संकल्प लेते हैं, ऐसे लुटेरे को झारखंड से भगाने का संकल्प लेते हैं और झारखंड की माटी में झारखंडियों का हक और अधिकार स्थापित करते हैं। और ये भरोसा आप लोगों से चाहता हूं कि झारखंड को बचाने की इस लड़ाई में, 2024 की इस लड़ाई में आप सब साथ दीजिए। ये लड़ाई एक तरफ माफिया लोग रहेंगे, एक तरफ पुलिस की ताकत रहेगी, एक तरफ प्रशासन की ताकत,
ताकत रहेगी। एक तरफ आईएस होंगे, एक तरफ आईपीएस होंगे, एक तरफ लोहा माफिया होगा, एक तरफ गुंडे होंगे, एक तरफ 20-30 साल से राजनीति करने वाले लोग होंगे, एक तरफ सरकार की ताकत होगी और एक तरफ खेत में कुदाल की ताकत होगी, हल की ताकत होगी, जुवाक की ताकत होगी। उससे यह लड़ाई होगी मेरे साथियों, और इस लड़ाई को हम सबको मिलकर के लड़ना है। क्या साथ मिलेगा इस बार आप लोगों का? इस लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए और पंचायत कमेटी को बना करके पंचायत के भीतर जितने भी पोलिंग स्टेशन है, जितने भी बूथ है, उन बूथ केंद्रों पर जा करके एक तरीका अपनाइए। ये देखिए कितने तेज है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल वाले हैं। ये लोग बनाता है पन्ना प्रमुख। पन्ना मतलब कि एक वोटर लिस्ट में जो 25-30 वोटर होता है उस पर उन लोग एक प्रमुख बनाता है पन्ना प्रमुख। उन लोगों को कहिए कि तुम पन्ना प्रमुख बनाया है तो हम भी अंगना प्रमुख बना के 38 आदमी पर एक आदमी को ड्यूटी दे रहे हैं कि झारखंडी को वोट दो। और ये ड्यूटी आप लोगों को तय करना होगा गांव में कि 38 आदमी को समझाने का, बुझाने का, झारखंडी विचारधाराओं को उसके मन तक ले जाने का आप लोग ये ड्यूटी तय करिए। लोग कहते हैं कि जेबीकेसी से कैसे जुड़े, कैसे पद मिलेगा, कैसे इस लड़ाई में शामिल हो। अरे पद के लिए लड़ाई नहीं है, कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं है, जेबी केसेस के लिए काम करना है। तो यही ड्यूटी है कि 20-30-50 लोगों को झारखंडी विचारधारा को समझा दीजिए आप जुड़ गए जेबी केसेस से। जो झारखंडी है वो जेबी केसेस परिवार का सदस्य है। जेबी केसेस में होने की यही अर्हता है। जो लोग भी झारखंड के बारे में सोचते हैं, जो लोग भी झारखंड की माटी को बचाना चाहते हैं, वो यहाँ पर जेबी केसेस परिवार का सदस्य है, यही मैं कहना चाहता हूँ। आइए मिलकर इस लड़ाई को साथ देते हैं, इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं और सीरू पंचायत से भी इस क्रांति की बुनियाद को आगे बढ़ाते हैं। और मैं ये भरोसा रखता हूं कि सीरू पंचायत आने वाले वक्त में पूरे ये रामगढ़ विधानसभा के क्षेत्र में, पूरे हजारीबाग लोकसभा के क्षेत्र में झारखंड के राजनीतिक बदलाव की क्रांति का एक बड़ा केंद्र बनेगा और यहां से जो आवाज फूकी जाएगी वो रामगढ़ और रांची तक पहुंचेगी, ये भरोसा रखता हूं। ये आप लोगों से मैं संकल्प दोहराना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जोहार, झारखंडी जोहार, शुक्रिया। चलिए बहुत